नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवेज में। मेरा नाम है अमित और ये है ओकिनावा का नया मैक्सी स्कूटर, ओकिनावा क्रूज। मैंने आपको बहुत सारे स्कूटर्स दिखाए सुबह से, लेकिन ये वाला स्कूटर जो है इसका काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था और अब इसका डिज़ाइन, इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस सब रिवील हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी बैटरी कैपेसिटी और इसकी रेंज, इसकी पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 kWh की बैटरी है। यहाँ पर जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी वो है 100 किलोमीटर्स की और 120 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिलेगी पर चार्ज। 3 kW का यहाँ पर आपको पावर आउटपुट मिलता है और बहुत सारे फीचर्स भी हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, कीलेस इग्निशन यहाँ पर आपको मिलता है, मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिलता है और मोटर वॉकिंग असिस्टेंस, यानी कि अगर आप धीमी गति पर चलाना चाहते हैं पैडल, यानी कि अगर इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो कुछ असिस्टेंस आपको मिलता है। उसके साथ साथ आपको एक फाइंड माई स्कूटर फंक्शन मिलता है और इसके साथ साथ फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन भी आपको मिलेगा। तो ये डिज़ाइन है स्कूटर का, ये मैक्सी स्कूटर वाला है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के अंदर में बोला गया था कि यहाँ पर LED लाइटिंग होगी, तो शायद प्रोडक्शन वर्जन में LED लाइटिंग हो। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब्स दिखेंगे इस प्रोटोटाइप्स के अंदर और ये जो ब्लिंकर्स हैं ये भी यहाँ पर बल्ब्स हैं। सामने 14-inch व्हील्स लगे हैं और डिस्क ब्रेक्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सामने अगर आप इस टायर को देखेंगे तो 120 सेक्शन टायर है। और चलिए इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। यहाँ पर बीच में आपको स्पीडो नज़र आएगा और लेफ्ट में ये डिजिटल कंसोल है। जब ये स्कूटर लॉन्च होगा तब यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा, फाइंड माई स्कूटर की फ़ीचर मिलेगी और उसके साथ ही साथ एक नया स्मार्ट ऐप जो ओकिनावा ने डेवलप किया है वो इसके साथ कनेक्ट होकर के आएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है फुली फंक्शनल नहीं है। इसका जो हैंडल बार है ये क्रोम में किया गया है। हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ये हॉर्न है और यहाँ पर आपको ये हेडलाइट के लिए ऑन और ऑफ बटन और ये हॉर्न आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये यहाँ पर आपको सीट खोलने के लिए एक स्लॉट दिया गया है और साथ ही एक USB सॉकेट भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये एक छोटा स्पेस है आपके पास, कुछ स्टोरेज आपको अगर करना है यहाँ पर तो कर सकते हैं। और यहाँ पर राइडर अपना पैर रख सकता है और ये पिलियन राइडर के लिए फुटपैक है, ये क्रोम में किया गया है। सीट जो है ये स्टेप सीट है। यहाँ पर राइडर सीट बहुत कंफर्टेबल है और पिलियन सीट जो है ये यहाँ पर रेज्ड है। पीछे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे, हब माउंटेड मोटर है और पीछे वाला जो यहाँ पर टायर दिया गया है इसका भी जो सेक्शन है वो है 120 सेक्शन। डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको पीछे मिलते हैं और ये ग्रैब रेल जो है ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल मुझे नहीं लग रही है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है तो शायद इसे चेंज किया जाएगा। इस गाड़ी को लॉन्च करते वक्त इसकी कीमत क्या होगी ये अभी बताया नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं उनसे जब मैंने बात करी तो अंदाज़ा ये है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है ये मेरे ख्याल से 1 lakh से ज़रा कम होगी। मैक्सिमम कॉस्ट इसकी मेरे ख्याल से 1 lakh रुपीज़ एक शोरूम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है नया ओकिनावा का मैक्सी स्कूटर और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको आज बहुत सारे स्कूटर्स दिखाए जहाँ पर इस तरह के बड़े स्कूटर्स भी थे। कुछ जो रुझान है मार्केट का इस बार ऑटो एक्सपो में वो खास करके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ ही है। पीछे यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिलती हैं, पीछे बल्ब नहीं है और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये यहाँ पर आपको बल्ब्स मिलते हैं। इसे ज़रा आप साइड से भी देख लीजिए, ये कलर मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर होता तो अच्छा होता है। यहाँ पर ये जो ब्राउनिश येलो विद ग्रीन जो इन लोगों ने कलर स्कीम दिया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। अगर इस शो स्कूटर को किसी और अच्छे स्पोर्टी कलर में पेंट किया गया होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता। अभी इसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ और इस स्कूटर के बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपको ये कैसा लगा, क्या ये आपकी जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा कि नहीं, ये सब आप ज़रूर हमें बताइए। और हम लोग एक नए वीडियो के साथ ऑटो एक्सपो का जो कवरेज है उसे जारी रखेंगे, तो बने रहिए मोटरवेज पे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारा कवरेज आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अमित कुछ देर में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।